अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट बताऊंगा जिस पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना असाइनमेंट का काम करना है एंड इजीली विद इन अ मंथ आप लोग 30, 40, 50 डॉलर्स आराम से बना लेंगे। काम बहुत ज्यादा इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। अगर आप लोगों को लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता, अगर आप लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, आप लोगों को मोबाइल फोन के बारे में कुछ नहीं पता, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। किसी चीज का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर आउट करूंगा। काम बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी है, बट इजी और सिंपल उसके लिए जो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा, सारे काम को आंखें खोल कर समझेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। इस काम में आप लोगों के पास जस्ट एक सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप लोग काम करके अपना पैसा कमा सकते हैं। बट जो टेक्निक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को वही फॉलो करनी है, बिकॉज उस काम का इस वेबसाइट पर ट्रेंड और अर्निंग रेशियो सबसे ज्यादा है। और वो क्या है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को वीडियो में गाइड करनी है। बट इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, बिकॉज मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। सो जैसे कोई न्यू वीडियो आएगी आप लोग एज सून एज पॉसिबल वीडियो वॉच करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चलूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को बताऊंगा पूरा का पूरा काम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये काम मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा पूरे के पूरे काम के स्टेप्स को, कि कितने स्टेप्स में हमें ये काम करना है एंड जो हमारी अर्निंग बनेगी वो हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट इजी पैसा जैस कैश में आ जाएगी। बट एक चीज का आप रिमाइंडर रखिएगा कि अगर आप लोगों को अपनी अर्निंग जैस कैश या इजी पैसा में चाहिए सो ये वीडियो को एंड तक लास्ट भी वॉच करिएगा, बिकॉज इसके विड्रॉल ऑप्शन जो इजी पैसा और जैस कैश के हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं, वो आप लोगों को समझने लाजमी है। सो वो आप लोग कहीं मिस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो सारे स्टेप शेयर कर दूं जो आप लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, हमारे पास टोटल तीन टाइप्स के असाइनमेंट होंगे जिस पर हम काम करेंगे। अब नंबर वन टाइप हमारे पास ये होगी, लिखकर असाइनमेंट कर लें अपने हाथों से, मैनुअली जो है पेन से या पेंसिल से पेपर पे असाइनमेंट करके वो सबमिट करा दिया, एक इस तरह आप काम कर सकते हैं। सेकंडली ये, अगर आप हाथों से नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली कंप्यूटर पे टाइप करके कर लें। कंप्यूटर पे जैसे आप एमएस वर्ड की आप फाइल ओपन करते हैं, वहां पे अपनी ओन वर्डिंग में जो वो टाइपिंग करते हैं उस तरीके से आप असाइनमेंट रेडी कर लें। अदरवाइज तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप पिक्चर्स क्लिक करके असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दें, जैसे जो भी असाइनमेंट पेज पे लिखा हुआ हो उस पेज की पिक्चर लिया आपने और वो सबमिट कर दी। सो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले आपने असाइनमेंट अपना रेडी कैसे करना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि तीन टाइप्स के असाइनमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। सेकंड मैंने आपको बता दिया हम असाइनमेंट किस तरह लिखेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास होगा किस प्लेटफॉर्म पे हमें ये काम करना है। फोर्थ स्टेप हमारे पास होगा कि हमें किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है। फिफ्थ स्टेप हमारे पास होगा काम किस तरीके से अपलोड करना है। एंड नंबर सिक्स स्टेप जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें अपने विड्रॉ किस तरीके से लेना है। तो सबसे पहले हम अपने सेकंड स्टेप पर जाते हैं कि हमें असाइनमेंट किस तरीके से लिखना है और किस टॉपिक पर लिखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेम ब्राउजर पर न्यू टैब ओपन कर लेंगे और उसमें एक वेबसाइट अपने पास ओपन कर लेंगे ग्रेड कोच की। यहाँ पे आप देख सकते हैं GRADCOACH.com GradCoach.com की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। अब यहाँ पे सारे वो सिलेक्टिव और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिस पर आपने अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं उस वेबसाइट के लिए जिस पर हम काम करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पास आ गए हैं, AI एंड मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर, जर्नलिज्म, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारे के सारे टॉपिक्स पर आप लोगों ने असाइनमेंट बनाने हैं। अदरवाइज आप इसके अलावा भी कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इस बात का लाजमी ख्याल रखिए कि वो टॉपिक जो होंगे वो ट्रेंडिंग ही होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसमें एक टॉपिक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जर्नलिज्म, मैं अपना असाइनमेंट जो है वो जर्नलिज्म पर बनाऊंगा। तो मैं सिंपली सेम ब्राउजर पर अपने न्यू टैब ओपन कर लूंगा और चैट जीपीटी ओपन कर लूंगा, वहां पे एक चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा, राइट ह्यूमन मेड असाइनमेंट ऑन जर्नलिज्म। ये मैंने टाइप करके एंटर कर दिया है। चैट जीपीटी हमें कंप्लीट जर्नलिज्म पर असाइनमेंट बनाकर क्रिएट करके दे देगा। ये अभी स्टिल क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ तक ये कम्प्लीट होगी। तो सिंपली हम अपने पूरे के पूरे असाइनमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे सिर्फ कॉपी पर भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास असाइनमेंट कॉपी हो जाएगा। अब हम सबसे पहले अपने इस असाइनमेंट को एक वेबसाइट पर जाके पेस्ट करेंगे ताकि ये असाइनमेंट जो है मशीन लैंग्वेज से, मीनवेल कंप्यूटर लैंग्वेज से हमने इसको जनरेट किया है, तो ऑब्वियसली इसमें सारी की सारी वर्डिंग जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रिलेटेड है, तो हमें इसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो हम सेम ब्राउजर पर न्यू टैब ओपन कर लेंगे, न्यू टैब पर हम स्पिनबॉट.com की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे अपना पूरा असाइनमेंट पेस्ट करके
बेसिक स्पिन पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है लिटिल बिट। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद हमें स्पिन बोर्ड जो है इस AI जनरेटेड ग्रामर को चेंज कर देगा ह्यूमन रिटन ग्रामर में। तो हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन रिटन ग्रामर आ गई है, हम यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करके अपने पास MS वर्ड पर या स्टिकी नोट्स पर इसको पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी लिटिल बिट करेक्शन खुद से करेंगे। जैसे ये ट्रिपल हैश आ गया, अब यहाँ पे जैसे ये हेडिंग है तो हमने इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के साथ साथ इसका साइज भी बढ़ा देंगे, बिकॉज ये एक हेडिंग है, यहाँ पर हमारे पास साइज भी इसका बिग हो गया है। एंड यहाँ पर मुझे ये चीज कुछ एक्स्ट्रास में लग रही है तो मैं इसको अपने पास से रिमूव कर दूंगा। ये सारी समरी है इसकी। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव की भी एक ये सेपरेट हेडिंग होनी चाहिए। ये लिटिल बिट जो बेसिक हमारे पास चेंजेस हमें होती हैं, एडिटिंग करनी होती है, वो हमें खुद इस पर लाजमी करनी है। अदरवाइज जिस वेबसाइट पर हम इसको अपलोड करेंगे वहां पर ये डिटेक्ट हो जाएगी कि ये AI जनरेटेड और ChatGPT जनरेटेड असाइनमेंट रेडी हुआ है। जो लिटिल बिट लोडिंग है, जैसे ये स्टार स्टार्टिंग में मैंने हटा दिए हैं एडिट करके, यहाँ पे सेक्शन 2 में हैशटैग हटा दिए। ये अगेन जो है इसकी एक हेडिंग होगी सेक्शन 2 की, इसको बोल्ड करके मैं साइज बिग कर देता हूँ इसका। एंड प्रैग्मेटिक एप्लीकेशन इसका साइज में लिटिल बिट बिग कर देता हूँ। इस तरीके से पूरे के पूरा आपके पास जो असाइनमेंट रेडी हुआ है उस पर आपने इस तरीके से एडिटिंग कर लेनी है। एडिटिंग करने के बाद आप लोग एक चीज का ख्याल लाजमी रखिएगा कि जिस वेबसाइट पर हम इसको अपलोड करेंगे वहां पर मल्टीपल काम्स हैं। अब वो मल्टीपल काम्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल वर्क्स वहां पर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो वहां पर असाइनमेंट वर्क जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, लेसन प्लान्स, नोट्स, वर्कशीट, प्रेजेंटेशंस, रिसर्च पेपर्स, डिजिटल एक्टिविटीज, अदर एजुकेशनल टूल्स, ये सारी बेसिकली कैंपेन्स हैं जिस पर काम उस वेबसाइट पर हो रहा है। बट हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो इस कैंपेन को देनी है, बिकॉज मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट सेल होने वाली कैंपेन है वो हमारे पास उस वेबसाइट पर असाइनमेंट वर्क की है। सो हम इस पर अपना मेनली फोकस रखेंगे। सो मैंने ये आप लोगों को बता दिया है, बिकॉज जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो ये ऑल ओवर हमारे पास कैंपेन्स हमें देखने को मिलेंगे जिसके काम वहां पर होंगे। अदरवाइज अगर आप लोग चाहें जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप इनमें से किसी एक कैंपेन पर भी काम कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जस्ट असाइनमेंट वर्क पर ही काम करें। अब यहाँ पर हमारे पास आपने देखा कि पूरा का पूरा असाइनमेंट रेडी हो गया है। अब हमें समटाइम्स ऐसा होता है कि असाइनमेंट के साथ साथ हमें अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड जो है वो कवर इमेज भी यूज करनी होती है, या फिर हमें अपने असाइनमेंट में ही उस पिक्चर को अटैच करना होता है। तो उसके लिए आप लाजमी गूगल से फोटो उठाएंगे। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि गूगल से फोटोज या पिक्चर्स मत उठाइएगा। आप सिंपली सेम ब्राउजर पे न्यू टैब पर आएंगे तो पिक्सबी की वेबसाइट अपने पास ओपन कर लें। यहाँ पे आप साइनअप भी करेंगे, साइनअप नहीं भी करेंगे तो जरूरी नहीं। यहाँ पे आप अपने जो मेन टॉपिक होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे स्टॉक इमेजेस आ जाएंगे। जैसे मेरा टॉपिक था जर्नलिज्म, तो मैं यहाँ पे सिंपल जर्नलिज्म मैंने सर्च किया। जर्नलिज्म से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आ गई हैं। मैं इसमें कोई भी एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पिक्चर सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसको पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लूंगा। सो ये पिक्चर मैंने अपने पास सेव कर ली है एंड मैं वापसी अपने पास MS वर्ड पे जाऊंगा और इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने अपने पास इस पिक्चर को भी ऐड कर दिया है अपने असाइनमेंट में, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा कूल लगे। जैसे ये मेरा भी टोटल 1, 2 और 3 पेज का असाइनमेंट रेडी हो गया है, बट जब मैं इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, जैसे यहाँ पे हैशटैग्स वगैरह मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे लाइंस डॉट 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 नजर आ रहे हैं, इन चीज की एडिटिंग करूंगा तो ये मेरा असाइनमेंट जो है वो 2 पेजेस पर डन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा असाइनमेंट भी हो गया पूरा रेडी, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी ऐड कर दी। अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपनी उस वेबसाइट पर जिस पर हमें ये काम अपलोड करना है, अपना काम करना है, जिसको हम सेल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास अर्निंग बनेगी। तो जिस वेबसाइट पर हम काम करेंगे सो उसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं teacheron.com करके इस वेबसाइट का नाम है, teacheron.com करके इसका वेबसाइट का नाम है। ये मैंने अगेन रिफ्रेश कर दी। तो ये हमारी वेबसाइट होगी जिस पर हम काम करेंगे, बट सबसे पहले हम अपनी इस वेबसाइट से कंफर्मेशन कर लें आइदर इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक है तो कितना है, कितना है के साथ साथ वेबसाइट ट्रस्टफुल है जिस पर हम काम कर सके। तो सिंपली हमने वेबसाइट का अपने पास URL कॉपी कर लिया और जाएंगे हम वेबसाइट एनालिसिस में। आपके पास यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा, एक दफा मैं इसको रिफ्रेश भी करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। रिफ्रेश यहाँ पर हो रहा है। सो यहाँ पर रिफ्रेश करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया teacheron.com की वेबसाइट है। यहाँ पर टोटल विजिट सिर्फ अगस्त के मंथ में 1.497 मिलियन, इट मींस 10 लाख से ज्यादा विजिट यहाँ पर हुए हैं। टोटल डेस्कटॉप से इतने हुए हैं, मोबाइल वेब से इतने हुए हैं,
और कंट्री रैंकिंग के हिसाब से इंडिया से ऑलमोस्ट 3102 यहाँ पे विजिट हुआ है। एंड सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे इस वेबसाइट से रिलेटेड कंप्लीट एनालिटिक्स आप लोग देख सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर विजिट इंडिया से हुए हैं एंड यानी इंडिया से यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा काम भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट देख ली कि इतना ट्रैफिक इस वेबसाइट पे है। नाउ अब हम देखेंगे कि क्या ये वेबसाइट ट्रस्टफुल है और नॉट। सो यहाँ पे एक अनदर वेबसाइट में मैंने देख लिया, trustpilot.com के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पर टैग एलोन की वेबसाइट मैंने सर्च करके देख ली, ऑलमोस्ट 3.8 इसके वो रिव्यूज हैं और वेरीफाइड कंपनी है, रजिस्टर्ड डोमेन है, पूरी सारी चीजें रजिस्टर्ड हैं। एंड अगेन इसकी वन मोर कंफर्मेशन हम करेंगे स्कैम एडवाइजर से। यहाँ पे स्कैम एडवाइजर पे जाके हम इस वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ये हमारे को सजेशन में आ गई है techelon.com। यहाँ पर लिटिल बिट लोडिंग हो रही है, लोडिंग कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट ये हमें बता रहा है techelon.com की जो वेबसाइट है उसका ट्रस्ट स्कोर 100 out of 100 है। हमें टोटल 3 out of 3 कंफर्मेशन हो गई कि वेबसाइट पर ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक के साथ साथ ट्रस्टफुल वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, प्लस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओके है। सो अब हम डायरेक्ट जाएंगे अपनी वेबसाइट पर काम को अपलोड करने के लिए। एंड अगर मैं आप लोगों को इसी वेबसाइट पर जॉब दिखाऊँ जो लिस्ट हुई हुई है, तो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पर विजिट स्टोर पर क्लिक करूंगा। विजिट स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी जॉब्स यहाँ पर फीचर्ड हुई भी हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये सारी की सारी जॉब के एड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कैंपेन्स पर यहाँ पर काम हो रहा है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। यहाँ पर आप सिंपली अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि टोटल किन किन कैंपेन से रिलेटेड यहाँ पर काम हो रहा है। एंड आपको यहाँ पे अपना असाइनमेंट सेल पर लगाना है तो सेल योर प्रोडक्ट्स पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और कम्प्लीट साइन अप इसको कर लेंगे जैसे आप लोग करते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट साइन अप भी कर लिया है, प्लस अपने ईमेल से वेरीफाई भी कर लिया है। नाउ सिंपली मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा और अपना काम लिस्ट करूंगा। यहाँ पर टाइटल पूछ रहा है कि मेरे काम का टाइटल क्या है, मेरे असाइनमेंट का टाइटल क्या है। सो मैं सिंपली चैट जीपीटी पर जाऊंगा, चैट जीपीटी से अपने काम का असाइनमेंट का टाइटल यहाँ से कॉपी कर लूंगा, अंडरस्टैंडिंग जर्नलिज्म, और इसको अपनी वेबसाइट पे लाके टाइटल पेस्ट कर दूंगा। नाउ आपके पास डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट का कॉलम आ गया है, वो पूछ रहा है आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स से। सो आपने सिंपली जो अपना असाइनमेंट रेडी किया है उसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट मेरा रेडी हुआ हुआ है तो मैंने सिंपली इसको ऑब्जेक्ट से लेकर पूरा लास्ट तक कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं वापसी अपनी वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे मैंने डिटेल्स में पेस्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने अभी करेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं की है, इस वजह से आप लोगों को ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा होगा। वह मैंने आपको बताया कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें हैं वो आप लोगों को रिमूव कर देने हैं मैनुअली। अब वो बोल रहा है आपने अपने असाइनमेंट की प्राइस क्या रखनी है, तो मैं अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम जाऊंगा ताकि मेरे पास सेल्स ज्यादा हो और मेरी अर्निंग भी स्टार्ट होना शुरू हो जाए। सो मैं यहाँ पर मिनिमम $5 अपने प्राइस रख दूंगा। और यहाँ पे उसने बता दिया टीचर्स ऑन फी 15% होगी, जिसमें से 0.75 USDT जो होंगे आपके $5 में से 75 सेंट जो है वो इस वेबसाइट को मिलेंगे, बाकी रिमेनिंग $4.25 आपको मिलेंगे आपकी अर्निंग के। सो ये भी सही है, वेबसाइट भी अपने पैसे रखती है ऑब्वियसली सी बात है, एंड जो आपका मार्जिन होता है वो आपको दे देती है। वो यहाँ पे पूछ रहा है आपका असाइनमेंट कौन से ग्रेड से रिलेटेड है, मास्टर्स लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर है या बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट पे है। तो मैं इसको सिंपली कर दूंगा बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल का मेरे पास असाइनमेंट वो अवेलेबल है। नाउ यहाँ पे वो हमें सब्जेक्ट के कॉलम में पूछ रहा है आपको सब्जेक्ट क्या रखना है, तो मैं सिंपली इसको असाइनमेंट कर दूंगा, असाइनमेंट करेक्शन का नाम करके एंड देन प्रोडक्ट टाइप में असेसमेंट टाइप करके कंटिन्यू कर दूंगा। वो बोल रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट की थंबनेल इमेज लगानी है, तो आप यहाँ पर वो इमेज लगा सकते हैं जो आपने अपने असाइनमेंट को रेडी करने के लिए पिक्साबे से डाउनलोड की थी, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने वही पिक्चर अटैच कर दी है एंड देन कंटिन्यू करूंगा। नाउ मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर आके उस जो PDF फॉर्म में मैंने डाउनलोड किया है उसको अटैच करके कंटिन्यू कर दूंगा। वो पूछ रहा है लैंग्वेज यूज इन सॉल्यूशन, कौन सी लैंग्वेज आपने यहाँ पे यूज की है, तो मैं इसको सिंपली इंग्लिश सेलेक्ट कर दूंगा एंड देन कंटिन्यू कर दूंगा। नाउ यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट सॉल्यूशन फाइल आपने यहाँ पे अटैच करनी है, तो यहाँ पे आप सिंपली वही PDF वगैरह अटैच करके इसको कंटिन्यू कर देंगे।
प्रीव्यू में बोल रहे हैं दिस वर पब्लिकली अवेल एंड सर्व एज अ सैंपल ऑफ हाउ प्रोडक्ट सॉल्यूशंस लुक लाइक एग्जांपल सी योर फर्स्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो मैं अगेन यहां पर अपना पीडीएफ अटैच करके इसको कंटिन्यू कर दूंगा। स्टेटस इनकॉर्पोरेटेड गूगल ड्राइव प्रोडक्ट स्टेटस क्या है आपका, एक्टिव है इनएक्टिव है, तो मैंने एक्टिव इसको कर दिया। आई सर्टिफाई दैट मटेरियल आई एम अपलोडिंग डस नॉट इंफ्रिंज द कॉपीराइट बिकॉज मेरा ये अपना जनरेटेड है। देन मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सो यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी वो बता रहा है कि आपके पास आपका जो असाइनमेंट है वो अंडर रिव्यू है। जैसे ही अंडर रिव्यू कंप्लीट होगा तो यहाँ पर ये एक्टिव के कॉलम में आपके पास इसका स्टेटस जो है वो एक्टिव शो हो जाएगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, आपने थोड़ा सा ट्रेंड यूनिक सब्जेक्ट रखा है जिससे आपके असाइनमेंट पर क्लिक्स ज़्यादा हो आएंगे। एंड ऑब्वियसली क्लिक्स जब ज़्यादा आएंगे तो आपकी सेलिंग भी ज़्यादा होगी। आपने यहाँ पे प्राइस भी बता दिया कि 5 USDT जो है मेरे असाइनमेंट की कॉस्ट है। सो ये सारे के सारे स्टेप्स थे जिनको आपने फॉलो करके अपना काम क्रिएट किया एंड देन उसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं विड्रॉल के, कि आपके पास विड्रॉल ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है और जैस कैश और इजी पैसा में क्या ऐसी डिफिकल्टी है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने समझा नहीं उसको। सबसे पहले यहाँ पेमेंट पे क्लिक करके अकाउंट्स गेटिंग पेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है पेपैल से आप अपने पास विड्रॉ करवा सकते हैं, बैंक ट्रांसफर करवा सकते हैं, बैंक via wise.com से करवा सकते हैं और बैंक से करवा सकते हैं। अब बैंक में तो आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी करवा सकते हैं, बट अगर आप लोगों को इजी पैसा जैस कैश में करवाना है एंड इफ अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं आप लोग तो आप पेपैल में भी करवा सकते हैं, बट जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको इजी पैसा और जैस कैश में करवाने तो आप यहाँ पे सिंपली एड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। सो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आपकी कंट्री कौन सी है जिसमें आपने पाकिस्तान कर दिया, इसको एक्सेप्ट करके वो बोल रहे आप बैंक सिलेक्ट करें। नाउ आप लोगों को अगर अपने जैस कैश में अपनी मनी है वो विड्रॉ करवानी है तो आप यहाँ पे सिंपली मोबिलिंक सर्च करेंगे, मोबिलिंक बैंक पर क्लिक करके बेसिकली ये आपके पास जैस कैश का विड्रॉल यहाँ पे होता है कि मोबिलिंक बैंक आप सिलेक्ट करते हैं, अपने जैस कैश का नंबर डालते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके सेव कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जैस कैश का अकाउंट अटैच हो जाएगा। एंड इफ आप लोगों को इजी पैसा में विड्रॉ करवाने हैं सो आप यहाँ पर अगेन जाएंगे और सर्च करेंगे टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये आपके पास यहाँ पर इजी पैसा के लिए होता है कि अगर आप लोगों को इजी पैसा में अपना विड्रॉ चाहिए तो आप लोग टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे, अपने इसी पैसा का IBN नंबर डालेंगे, मीनवाइल फोन नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे लिख के सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपका विड्रॉ जो है वो आपके इजी पैसा में चले जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। एंड इफ आप लोग अपने बैंक में चाहिए तो सिंपली यहाँ पे बैंक पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट अटैच करके अब अपने मनी को अपने डायरेक्ट बैंक में भी विड्रॉ करवा सकते हैं। एंड इफ आप लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखी है तभी आप लोग इस काम को समझे होंगे और काम को समझकर अपना काम यहाँ पर इसी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को कंप्लीट फॉलो करना है एंड इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और अ वीक आप लोग अपनी अर्निंग जनरेट कर लेंगे। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा काम अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही इजी काम है, बट इजी और सिंपल उसके लिए जिसने ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखी है, बिकॉज वीडियो के बीच में जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं, जो स्टेप्स आपको लाजमी फॉलो करने हैं और जो स्टेप्स की आपके पास ऑफर होगी बट आपको वो फॉलो नहीं करने हैं, वो सारी बातें मैंने इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को उन सब चीजों के बारे में पता होगा अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक वॉच की है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वेबसाइट पर किस तरह आपने काम करना है और अपनी अर्निंग जनरेट करनी है। तो मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ऑनलाइन अर्निंग वीडियो के साथ। अंटिल देन ओके टाटा अल्लाह हाफिज़।